जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू खित्ते में इस समय सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता किया गया है। जिस तरह से पिछले दिनों में हालात बने हैं, आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं और उसी के चलते अब हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। यानी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे और यात्रा को इस समय जो वो सुरक्षा कवच जो वो मुहैया कराया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में यात्रा इस समय लगातार चल रही है। लेकिन अगर हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो हाईवे पर भी इस समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। हम लगातार पिछले कई दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जम्मू संभाग में इस समय आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकी हमला जो कठुआ में हुआ है या फिर डोडा इलाके की बात करें, पीर पंचाल, तमाम इलाका जम्मू संभाग का जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसी को लेकर आप ये कह सकते हैं कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया हुआ है। अगर बात करें हाईवे पर लगाए गए लंगर्स को लेकर, लंगर जो श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए लगाए गए हैं, तो यहाँ लंगर पॉइंट पर भी सुरक्षा को जो है पुख्ता किया गया है। मैं तस्वीरें आगे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मैं इस समय हाईवे से ये तमाम आपको अपडेट कर रहा हूँ और अपडेट इसमें बड़ी निकल कर यही सामने आ रही है कि इस समय सुरक्षा को पुख्ता किया हुआ है और कहीं ना कहीं जो थ्रेट्स मिल रही है, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि इनपुट आ रहे हैं कि शायद आईडी प्लांट जो वो करने की साजिश जो है वो रची जा रही है, उसी को लेकर इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमाम सुरक्षा को जो है वो चाक चौबंद किया हुआ है। खासतौर पर जो हमारे यात्रियों के लिए लंगर लगाए गए हैं, तो लंगर पर भी जो सैन्य सुरक्षा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसी के चलते हमारे जो सुरक्षा बल है वो लगातार तैनात है। लंगर पॉइंट्स को लेकर अगर बात करें तो ये तमाम अपडेट मैं आपको लंगर से दे रहा हूँ। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यात्रियों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, यात्रा में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े। और ये इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि यात्रा को खराब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन हमारे जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, तो यात्रियों में किसी तरह का कोई उत्साह में कमी नहीं है, उत्साहित होकर यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर यात्रा में पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो प्रदान की जा रही है। और हाईवे पर जहां जहां पर भी लंगर लगाए गए हैं यात्रियों के लिए, हर लंगर पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। एक बार फिर से मैं यहां से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यात्री जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं और उसी के चलते आप यहां तमाम जो तस्वीरें हैं ये आप देख पा रहे हैं। यहां पर सुरक्षाकर्मी जो पूरी तरह से तैनात हैं वो अपना यहां पर ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि जो शरारती तत्व लगातार कोशिश कर रहे हैं माहौल खराब करने की, तो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनके मंसूबों पर किस तरह से पानी फेरना है, जिसको लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है इस समय आप जानते हैं कि कठुआ में चल रही है, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, आरआर स्वैन, पंजाब के डीजीपी, बीएसएफ के हायर ऑफिशियल्स के साथ साथ तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और मीटिंग में मंथन किया जा रहा है जो बीते दिनों में हालात बने, खासतौर पर जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकी हमले हुए हैं, उसी को लेकर अब अगली रणनीति जो इख्तियार की जा रही है सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को पुख्ता करना है और उसी को लेकर लगातार जो है वो आप कह सकते हैं कि मीटिंग्स का दौर जारी है। और खासतौर पर आतंकियों की मदद करने वाले जो मददगार हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसी को लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से आज जो है मीटिंग इस समय चल रही है, हाई लेवल मीटिंग जो कि कठुआ के डीपीएल में इस समय चेयर की जा रही है डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। तो ये तमाम जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ ये हाईवे पर स्थित जितने भी लंगर पॉइंट्स हैं, लंगर में यहाँ पर सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ाया गया है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले तमाम नाका पॉइंट्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा नफरियां यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं और जो इनपुट मिल पा रहे हैं कि शायद ये जो आईडी प्लांट करने की साजिशें जो है वो रची जा रही हैं, लावारिस जिस तरह से आप कई जगहों पर देखते हैं कि कोई ऐसी संदिग्ध चीजें जो मिलती हैं जिसको देखकर कहीं ना कहीं पैनिक सा क्रिएट हो जाता है, तो हर सिचुएशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर रख रही हैं। तमाम जवान इस समय जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं,
हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और खासतौर पर टू व्हीलर को लेकर बात करें, बाइक या स्कूटर्स को लेकर, तो इस तरह से साजिशें रची जा रही हैं कि इस यहाँ पर जो वो आईडी प्लांट करने की जो साजिशें हैं वो रची जा रही हैं और उसी को लेकर इस समय पूरी चौकसी जो वो बरती जा रही है। फिर कहूँगा कि हाईवे की सुरक्षा इस समय बढ़ा दी है, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक, खासतौर पर जम्मू खित्ते की अगर बात करें, जम्मू खित्ते में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमाम नाका पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, बीएसएफ लगातार बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग कर रही है। इसी के साथ साथ जहां पर भी अलग अलग इलाके, खासतौर पर जो आप कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन, पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, वहां पर भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार जो वो अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिन से हम ये अपडेट्स आपके तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन लंगर जितने भी लगाए गए हैं हाईवे पर, वहां पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं। एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो जवान हमारे यहाँ पर तैनात हैं, ये तस्वीरें आप यहाँ से लगातार देख रहे हैं। मैं पास से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो दी गई है लंगरों में। हर जगह जहाँ जहाँ पर भी लंगर लगाए गए हैं वहाँ पर पूरी तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा का कड़ा पहरा जो है वो हर एक लंगर पर इस समय जो वो दिया गया है। और उसी के चलते यहाँ की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, हाईवे से सामा में यहाँ पर ये लंगर लगाया गया है, तो इस लंगर पर भी सुरक्षा को जो वो पुख्ता किया गया है, पूरे हाईवे पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है और हाई लेवल मीटिंग भी लगातार जारी है सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए। यानी जम्मू कश्मीर की करंट सिक्योरिटी सिचुएशन पर ये मीटिंग लगातार जारी है। इसी के साथ साथ तमाम हायर ऑफिशियल्स, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी पंजाब पुलिस, तमाम एक मंथन इस मीटिंग में किया जा रहा है। किस तरह से टेररिज्म को रोकना है, नार्को टेररिज्म को रोकना है, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको लेकर भी बात जो वो की जा रही है। इसी के साथ साथ जो मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर मंथन किया जा रहा है, किस तरह से आने वाले दिनों में हालातों को कंट्रोल करना है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, इनकी साजिशें जो है वो जो कामयाब ना हो उसके ऊपर किस तरह से प्रहार करना है, इसको लेकर लगातार मीटिंग में मंथन जो इस समय किया जा रहा है। और खासतौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है लगातार जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कठुआ जिला का वो इलाका यहाँ पर आतंकी हमला हुआ बदनोता इलाके में, वहां पर अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस समय हालात जो वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि जम्मू संभाग को जो दहलाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर पीर पंचाल इलाके से जो आपने शुरुआत देखी, उसके बाद कठुआ जिला के हिरानगर सेक्टर की बात करें या फिर बदनोता इलाके की बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में हालात खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसी को लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति इख्तियार की जा रही है कि किस तरह से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना है, आतंकवाद को खत्म करना है। और ज्यादा ये आतंकी नहीं है जो लगातार यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इसी को लेकर योजना तैयार की जा रही है, रणनीति इख्तियार की जा रही है और जल्द ही इनको कड़ा जवाब जो है ये दिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा को इस समय पुख्ता किया गया है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, ये अभी की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं लोगों से भी हमारी अपील रहेगी, तमाम लोगों से, कि कहीं भी आप कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं, संदिग्ध लोग देखते हैं, तो आप लोग फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें, ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको हाईवे से दे रहा हूँ। आप इस समय देख रहे हैं कि हाईवे पर तमाम इस समय जो सुचारू रूप से ट्रैफिक भी चल रहा है, लगातार हमारे जवान जो वो हाईवे के किनारे जितने भी लंगर पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, ट्रांजिट कैंप्स हैं, वहाँ पर लगातार सुरक्षा जो है उनकी तरफ से मुहैया कराई जा रही है। और सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेन ना हो, चूक ना लगे, उसी को लेकर तमाम ये पुख्ता इंतजाम जो वो किए गए हैं। आप यहाँ की तस्वीर भी देख सकते हैं, यहाँ लगातार सुरक्षा बल तैनात हैं और हमारे सुरक्षा बल जब तैनात होते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, यात्री को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। तो ये एक जो हौसला है हमें भी अपने जवानों का बढ़ाना है, उसी को लेकर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, आतंकवाद को अब नेस्तो नाबूद किया जाएगा, अब कड़ा प्रहार उनके ऊपर होगा, जिसको लेकर योजना तैयार की जा रही है। और ये आप कह सकते हैं कि अब आखिरी दिन समझिए इन आतंकियों के, जो लगातार बुखलाहट में हैं और ये अपनी बुखलाहट दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये बच नहीं पाएंगे, इसको लेकर रणनीति लगातार इख्तियार की जा रही है। तो बड़ी खबर कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ना सिर्फ सांबा बल्कि पूरे जम्मू संभाग में हाईवे की सुरक्षा को चाक चौबंद किया है।
बड़ी खबर फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया जेके मीडिया के लिए।